वेलकम टू आवर फूड रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे मूंग दाल वड़ा। बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं और आसान तरीके से बनाए हैं, तो रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मूंग दाल वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मूंग दाल ली है। मूंग दाल को 3 घंटे तक भिगोया था। अगर आपके पास 3 घंटे का समय नहीं है तो आप इसको आधे घंटे तक गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। अब यहाँ पे भिगोई हुई मूंग दाल को मिक्सचर जार में ले लेंगे। उसके साथ 2 टेबलस्पून कटा हुआ प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियां, आधा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल के पीस लेंगे। दाल को पीसते समय इसमें जो प्याज लहसुन अदरक धनिया डाला है वो अच्छी तरह से दाल के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मूंग दाल अच्छी तरह से पीस ली है। अब पीसी हुई दाल को एक बाउल में निकाल लेंगे। दाल में 1 चम्मच सौंफ, 1 टेबलस्पून कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून कटा हुआ प्याज मिलाएंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर मिलाकर सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मूंग दाल वड़े का बैटर बनके तैयार है। अब हम इससे वड़ा बनाएंगे। वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में तेल ले लेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें वड़ा बनाएंगे। इसको मीडियम आंच पर ही पकाना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। वड़ा को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मूंग दाल वड़ा बनके तैयार है। ऐसे ही हम सारे वड़े बना लेंगे। मूंग दाल वड़ा बनके तैयार है। यहाँ पर मैंने मूंग दाल वड़ा को हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप इसको कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।